सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सहमति से ही अश्विनी कुमार और पवन कुमार बंसल को हटाया गया था। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें इस्तीफे के सवाल पर सोनिया और मनमोहन के बीच में मतभेद की खबरें आ रही थी, मतभेद की बात कही गई थी। दरअसल मंत्रियों की छुट्टी सोनिया गांधी के कहने पर हुई ये कहा जा रहा था, लेकिन जनार्दन द्विवेदी ने ये कहा है कि दोनों की सहमति से दोनों मंत्रियों को हटाया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, उस विवाद को रोकने की कोशिश जनार्दन द्विवेदी की तरफ से की जा रही है जिसमें लगातार कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी में मतभेद है मंत्रियों को हटाने को लेकर। जी हाँ बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले ही जनार्दन द्विवेदी जो कि कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन है, उन्होंने ये बयान जारी किया है और स्पष्ट किया है अपनी तरफ से कि जो फैसला लिया गया अश्विनी कुमार और पवन बंसल को हटाने का, वो दोनों का ही साझा फैसला था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री दोनों का मिला करके। इसमें बहुत अहम बात यह है ध्यान रखने वाली, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही दूसरे महासचिव पार्टी के दिग्विजय सिंह ने क्वेश्चन रेज किए थे डुअल पावर सेंटर्स पर। उसके बाद ये जरूर एहसास हुआ होगा कांग्रेस अध्यक्ष को कि कहीं ये बात ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन ना हो जाए। जिस तरह से खबरें आ रही थी पहले, दोनों मंत्रियों को सैक किए जाने के पहले खबरें आ रही थी कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं बचाना चाहते थे, लेकिन आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चाहती थी कि पार्टी की छवि खराब ना हो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद, और उनके दबाव के चलते इन दोनों मंत्रियों को हटाया गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनार्दन द्विवेदी का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब उन्हें भी लगता है कि आलाकमान की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से जरूर ये इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा कि इस विवाद को खत्म किया जाए और पार्टी की ही तरफ से क्यों ना एक बयान जारी किया जाए और ये स्पष्ट कर दिया जाए कि ऐसा नहीं है कि पार्टी की मुखिया कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दबाव में ही ऐसा किया गया, बल्कि दोनों पावर सेंटर्स यानी प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी की आपसी सहमति से इस फैसले को किया गया। मुझे लगता है बस इसी रुख को स्पष्ट करने के लिए जनार्दन द्विवेदी ने यह बयान जारी किया है।